चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार पे, जो हाल ही में दिया गया है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 30 सितंबर को प्रदान किए जाएंगे। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेंगी। आशा पारेख जी के भारतीय सिनेमा में अनुकरणीय योगदान को सम्मान देने के लिए दादा साहब फाल्के चयन जूरी ने यह निर्णय लिया है। अगर हम जूरी की बात करें तो 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के चयन के लिए जूरी में फिल्म उद्योग के 5 सदस्य शामिल थे, जिसमें आशा भोसले, हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लो, टीएस नागभरण और उदित नारायण शामिल थे। आशा पारेख जी के जीवन की अगर हम बात करें तो आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को भारत में एक मध्यवर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्राणलाल पारेख और माता का नाम सुधा पारेख था। उनकी माँ ने उन्हें कम उम्र में ही शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। छोटी उम्र में स्टेज शो के माध्यम से आशा ने नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अगर आशा जी के फिल्मी सफर की बात की जाए तो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रॉय ने एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा और उन्हें 10 साल की उम्र में माँ फिल्म के लिए कास्ट किया। बाद में उन्होंने उन्हें बाप बेटी में कास्ट किया। यह उनके फिल्मी करियर की शुरुआत थी। फिल्म निर्माता ससाधर मुखर्जी और लेखक निदेशक नासिर हुसैन ने उन्हें दिल दे के देखो में अभिनेत्री के रूप में कास्ट किया, जिसके बाद वह एक बड़ी स्टार बन गई। शम्मी कपूर उनके पसंदीदा अभिनेता और दोस्त थे और उन्होंने 3 और फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मर्डर मिस्ट्री तीसरी मंजिल थी, जो 1966 में आई थी। आशा पारेख ने गुजराती, पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने गुजराती धारावाहिक ज्योति का निर्देशन किया है और पलाश के फूल, बाजे पायल, कोरा कागज और दाल में काला जैसे शो को प्रोड्यूस किया है। इनको मिले अन्य अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अतिरिक्त उन्हें सिनेमा जगत के कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें कटी पतंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार 1971 में दिया गया था। देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से वर्ष 1992 में सम्मानित किया गया था। वर्ष 2002 में आशा पारेख को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही 2004 में कलाकार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार से वर्ष 2006 में उन्हें सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। तब से अब तक यह पुरस्कार लक्षित वर्ष के अंत में अथवा अगले वर्ष के आरंभ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह भी कहा जाता है। इस प्रकार आज के टॉपिक पर हमने समग्र बात कर ली है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।